गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ आर यू। चलिए आज जो है आप लोग का लाइव क्लास था, बट मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण लाइव क्लास नहीं ले पाई मैं, इसलिए आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो चैप्टर 6 का हम लोग एक्टिविटी 8 स्टडी करेंगे आज ना। एक्टिविटी 8 जो है क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमको कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रिपेयर करते हैं इसका एक्सपेरिमेंट करना है, और इसके थ्रू मैंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है हमको यह समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमको क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए होता है। टेस्ट ट्यूब्स, कॉर्क विथ अ होल, देखिए ये डायग्राम है हमारे बुक में भी दिया हुआ है। आप लोगों का जो बुक है पेज नंबर 64, इसमें आप लोग देखिए नीचे डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट देना जो है क्या क्या है, हमको क्या क्या चाहिए। एक टेस्ट ट्यूब होल्डर या स्टेट, इसमें हम टेस्ट ट्यूब को स्टेट कर सकें। ओके, एंड कॉर्क होल और लेमन जूस, वाशिंग सोडा या कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं हम लोग, फ्रेश लाइम वाटर, एल्केलाइन नेप्थिलीन। ओके, ये सभी रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट ऑल जितने भी ऑपरेटर्स हैं हमारे उसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे। ठीक है, किस तरह से अरेंज करेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है, वाशिंग सोडा एंड लेमन जूस ऐड किया है। ओके, और इस टेस्ट ट्यूब को कॉर्क होल जो है उसके थ्रू क्या किया, हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, इसमें से एक बैंड ग्लास पाइप है। ठीक है, इस तरह से यू शेप का बना हुआ ग्लास पाइप है, जिसका वन एंड पॉइंट जो है जिसमें हमने किया है इस टेस्ट ट्यूब में अटैच किया है, एंड सेकेंड एंड पॉइंट जो है अदर टेस्ट ट्यूब में फिल करेंगे, डिप कर देंगे। ठीक है, अब जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने लेमन जूस एंड वाशिंग सोडा ऐड किया है उसको स्टेप के थ्रू जो है इस तरह से अरेंज करेंगे, जिससे कि ये हिल डुल ना सके, है ना, सही ना हो सके। अब चलिए, ये जो हमने यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में लेमन जूस और वाशिंग सोडा ऐड किया है, तो आपका समझना है इसमें कुछ रिएक्शंस होंगे और क्या होगा जो नेक्स्ट अदर टेस्ट ट्यूब है इसमें गैसेस जो है कलेक्ट होंगे। इसमें जो हमने लेमन जूस और वाशिंग सोडा ऐड किया उसके बाद हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर क्या कोई हमको स्मेल आता है या कोई कलर दिखाई देता है हमको। तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम यहाँ पर क्या रिजल्ट पाते हैं कि यहाँ पर कोई भी कलर हमको दिखाई नहीं देता और ना ही कोई हमको स्मेल आता है। ठीक है, तो दैट मीन इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर जो रिएक्शंस हुए लेमन जूस एंड वाशिंग सोडा के बीच में उससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हुआ, और जो गैस का फॉर्मेशन हुआ वो इस बैंड ग्लास ट्यूब के थ्रू अदर ग्लास जो ट्यूब है, सॉरी टेस्ट ट्यूब है, उसमें कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अभी इसके बाद हमको अलग अलग मटेरियल्स के थ्रू डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट करने हैं, इसके और विथ हेल्प कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो चलिए जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो क्या है हमारा, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि लेमन जूस एंड वाशिंग सोडा के थ्रू विथ जो रिएक्शन होता है उससे कोई कलरफुल गैस रिलीज हो रहा है या प्रोड्यूस हमको आता है या नहीं आता है। तो हमको क्या रिजल्ट मिला, यहाँ कोई भी कलरफुल गैस दिखाई नहीं देता है, बल्कि कलरलेस एंड ब्लूलेस गैस कलेक्ट होता है सेकेंड टेस्ट ट्यूब। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है, एक हम बल्ब मैजिक स्टिक लेंगे और उसको क्या करेंगे, नियर द कलेक्ट गैस, जिस टेस्ट ट्यूब में गैस कलेक्ट है उसके नियर ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बर्न मैच स्टिक्स है वो क्या होता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है, दैट मीन बुझ जाता है ना। यहाँ पर है इस वर्ड एक्सटिंग्विश, इसका मीनिंग क्या होता है, बुझ जाना,
ठीक है, मैच स्टिक्स जो है बंद मैच स्टिक्स जब हम इस टेस्ट ट्यूब के नियर इस तरह से लाते हैं तो क्या होता है, घुस जाता है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हमको ये समझ में आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ना तो स्वयं क्या होता है जलता है और ना ही अदर ऑब्जेक्ट के बर्न होने में हेल्पफुल होता है। ओके, दिस गैस नाइदर बर्न नॉर डज इट सपोर्ट कंबशन। नेक्स्ट थर्ड एक्सपेरिमेंट जो हम करेंगे वो क्या है, एक अदर टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें फ्रेश लाइम वाटर इन्वॉल्व करेंगे और उस फ्रेश लाइम वाटर में क्या करेंगे हम यहाँ जो कलेक्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड उसको पास करते हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं, जो फ्रेश लाइम वाटर है टर्न द मिल्की, क्या हो जाता है, फ्रेश लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। इस बेस पर यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ और जो सोल्यूशन है हमारा वो मिल्की हो जाता है, इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमको कि कार्बन डाइऑक्साइड पास इनटू फ्रेश लाइम वाटर इन सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड एंड सोल्यूशन टर्न मिल्की। जब हम एक टेस्ट ट्यूब में फ्रेश लाइम वाटर लेते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं पास करते हैं तो जो सोल्यूशन होता है फ्रेश लाइम वाटर होता है वो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है और जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाता है मिल्की हो जाता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सपेरिमेंट जो है फोर्थ नंबर का, अगेन हम एक अगेन अदर टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें क्या करते हैं एल के प्लैंक फिलेप्थिलीन ऐड करते हैं एंड पास द इन्वॉल्व गैस और उसमें क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं। ठीक है, जब हम एल्केलाइन फिलेथिल्स को सॉरी एल्केलाइन फिलेथिल गैस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले ये जान लीजिए कि एल्केलाइन फिलेथिलीन जो होता है वो पिंक कलर का होता है। ठीक है, जैसे ही हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो इसका एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है एसिडिक नेचर का होता है जिसके कारण वो एल्केलाइन फिलेथिलीन के साथ रिएक्ट होकर के पिंक कलर जो होता है एल्केलाइन फिलेथिलीन वो कलरलेस हो जाता है। ओके, और यहाँ जो कलरलेस होता है उसे ये रिप्रेजेंट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो एसिडिक नेचर का होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर होने के कारण एल्केलाइन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड्स के क्या क्या यूजेस हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड्स का क्या क्या यूज हो सकता है, सबसे पहला तो ये हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बर्न होता है और ना ही अदर ऑब्जेक्ट्स को बर्न होने में सपोर्ट करता है। ओके, जिसके कारण यदि आपने सुना होगा कि कहीं आग लगती है तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसके थ्रू वहाँ जो आग लगी होती है उसको एक्सटेंस करने का वर्क किया जाता है। ठीक है, द गैस इन्वॉल्व ऑन ओपनिंग सॉफ्ट ड्रिंक, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स ड्रिंक करते हैं तो जैसे ही आप सॉफ्ट ड्रिंक्स का बॉटल ओपन करते हैं तो वो क्या होता है पूरे झाग के साथ ऊपर आता है, उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इसलिए यूज क्यों किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक में, क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मतलब हार्ड करता है और स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड द सॉफ्ट ड्रिंक। ओके, सॉफ्ट ड्रिंक का टेस्ट उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ऑन बर्निंग ऑफ द फ्यूल एंड थ्रॉग रेस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज लाइब्रेटेड इन टू द एटमोसफियर विच इज यूज बाई ग्रीन प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ सन लाइट टू मैक फूड बाई द
प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है, क्रिया होती है जिसके थ्रू जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हम जो फूड अचीव करते हैं उसके बाद हमारे अराउंड जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होते हैं जिसका यूज करके ग्रीन प्लांट्स और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, या जो ग्रीन प्लांट है उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो अपना फूड प्रोडक्शन करते हैं। ओके, नेक्स्ट यूज है कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किस में किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैन्युफैक्चर में किया जाता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज कूलेस्ट इज सॉलिड फ्रीज एंड दिस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, इट इज यूज अ कूलेंट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कूल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज ठंडा करने या कूलेस्ट वर्क में किया जाता है और वह क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट्स जो होते हैं उसमें जनरेट हो जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, विच कॉल्ड इज ड्राई आइस। एंड इसका यूज जो है वो कूलेंट्स में किया जाता है, कूलेंट्स के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी क्या स्टडी किया, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू।